हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। क्लास वन में हम 25 तक क्वेश्चन सोल्व कर चुके थे, अब चलते हैं 26 पर। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको इन क्लासेज की पीडीएफ चाहिए जो हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं, इनकी पीडीएफ मिलेगी आपको विद सॉल्यूशन, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, किसी भी चैप्टर से हो, तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, तुरंत आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन पर। जब 200 को किसी धनात्मक पूर्णांक x से भाग दिया जाता है तो शेष फल 8 आता है, x के ऐसे कितने मान संभव है। बोला गया कि जब हम 200 को x से भाग करते हैं तो रिमाइंडर आता है 8, यानी कि 200 में 8 ज्यादा है। अगर मैं रिमाइंडर इसमें से माइनस कर दूं तो ये आएगा 192, यानी कि 192 वो संख्या है जो x से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। तो इसने क्या बोला कि x के ऐसे कितने मान संभव है। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो हमारा भाजक है और जो शेष फल है, यानी कि जो शेष फल होगा वो भाजक से कभी भी बड़ा नहीं आ सकता, यानी कि x क्या होगा, 8 से हमेशा बड़ा ही होगा। ठीक है, रिमाइंडर भाजक से हमेशा छोटा होता है। तो हम क्या करेंगे, 192 के फैक्टर निकाल लेते हैं, क्योंकि 192 तो पूरा पूरा भाग होता है x से। तो एक से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये जाएगा 192 पर, दो से अगर इसको डिवाइड करूं तो ये जाएगा 2 × 18, 2 × 6 = 12, 3 से डिवाइड करूं तो 3 × 6 = 18, 3 × 4 = 12, 4 से अगर इसको डिवाइड करें तो 4 × 4 = 16, बचेगा 3 × 4 = 32, 5 से डिवाइड होगा नहीं, 6 से डिवाइड करें तो 6 × 3 = 18 और 6 × 2 = 12, 7 से डिवाइड नहीं होगा, 8 से डिवाइड करें तो 8 × 2 = 16, बचेगा 3 × 8 = 32, 9 से डिवाइड नहीं होगा, 10 से 11 से फिर 12 से हो जाएगा, 12 × 1 = 12, बचेगा 7 × 12 = 72, फिर ये हो जाएगा 13 से डिवाइड होगा नहीं, और 14 से डिवाइड नहीं होगा, 15 से भी नहीं होगा, 16 फिर आ जाएगा। अब इसने क्या बोला था कि रिमाइंडर 8 आता है, यानी कि जो हमारा भाजक होगा वो 8 से बड़ा होगा, यानी कि 1 को नहीं ले सकते, 2 को नहीं ले सकते, 3 को भी नहीं ले सकते, 4 को, 6 को, 8 को, इनको नहीं ले सकते, क्योंकि जब हम इनसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इन संख्याओं से ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर 8 आता है। बाकी कौन से बचेंगे, 192, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि x के 8 मान संभव है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या हमें दे रखी है और क्या बोला गया है, ऑप्शन दे रखे हैं कि 3 और 11 दोनों से विभाज्य है, यहाँ पर 11 से विभाज्य, लेकिन 3 से नहीं, देखो सभी ऑप्शन में 3 और 11 है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। पहले हम 11 से डिवाइड करके देख लेते हैं, तो एक संख्या छोड़कर एक चेक करते हैं, 1 और 6 = 7, 7 और 2 = 9, 9 और 1 = 10, 10 और 3 = 13, 13 और 3 = 16 और 1 = 17। अब यहां से चेक करें तो 5 और 3 = 8, और 4 = 12, 12 और 2 = 14, और 4 = 16 और 5 = 21, नहीं इनका डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए, 11 का मल्टीपल, तब 11 से डिवाइड होता है, नहीं डिफरेंस 0 नहीं है ना 11 का मल्टीपल है, तो 11 से डिवाइड तो होगा नहीं। अब चेक करते हैं 3 से, 3 के मल्टीपल हटाते जाना, 5 और 1 = 6, ये 6 फिर 3 हट जाएगा, 4 और 2 = 6, 2 और 1 = 3, 3 और ये हो जाएगा 5 और 4 = 9, और ये 3 बचा 1, यानी कि ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, ना 3 से डिवाइड होता ना 11 से, तो देखो किसमें, ऑप्शन सी में है, न तो 3 से और न ही 11 से विभाज्य है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 1000 से कम कितनी प्राकृत संख्या 5 या 7 से विभाज्य है लेकिन 35 से नहीं, 1000 से कम, यानी कि 999 तक हम चेक कर लेते हैं, तो 999 तो डिवाइड करेंगे 5 से, या तो 5 से भाग होती हो या फिर 7 से भाग होती हो, तो दोनों को ऐड कर देंगे, लेकिन 35 से भाग नहीं होनी चाहिए, तो माइनस कर देंगे 35 वाले, तो 999 डिवाइड में 35। अब यहाँ पे एक बात और आपको याद रखनी है, जो 35 के मल्टीपल हैं वो यहाँ पर 5 वाली संख्या में भी आएंगे और ये 7 वाले मल्टीपल में भी आएंगे, क्योंकि 5 वाले पहाड़े में आगे जाके 35 आता है और 7 वाले पहाड़े में भी 35 आता है, तो दोनों जगह काउंट हो जाएंगे, तो इसको डबल करके फिर हमें माइनस करना पड़ेगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 5 एकम 5, ऐसी कितनी संख्या है वो देख लेते हैं, तो 5 एकम 5 बचेगा 4 × 5 = 45, 4 × 5 = 45, प्लस 7 से चेक, तो 7 एकम 7 = 2, 7 × 2 = 28, बचेगा 1, 7 × 2 = 14, माइनस करेंगे यहाँ पर, 35 से चेक कर लेते हैं तो 35 × 70 =
बचेगा कितना, 29, 299 हो जाएगा, तो ये फिर जाएगा 280। कितने पे होता है 280? 35 दूनी 70 और 4, यानी कि ये हो जाएगा 8 मल्टीपल, और 28 गुणा 2 56। इसको सोल्व कर लेते हैं। 9 और 2 11, 11 में से 6 माइनस करेंगे 5, एकाएक अंक 5 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि संख्या देश में 3 में से प्रत्येक को सबसे बड़ी संभव संख्या डी ग्रेटर देन 1 से भाग देने पर आर शेष फल आता है, तो डी प्लस आर का मान क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन हमने ओल्ड जनरल में किए थे कि जब हमें 3 संख्या दे रखी हो और ऐसा बोला गया हो कि शेषफल समान आएगा जब हम किसी संख्या से इसको डिवाइड करते हैं, तो जहां पर शेषफल समान आता है उसमें हम क्या करते हैं, इन तीनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। ये था 47, 47 49, 56 01, और ये है 70 12। अब इनका आपस में डिफरेंस निकालते हैं, पहले इनका डिफरेंस निकालेंगे तो ये आएगा 11 में से 9 गए तो 2 बचेगा, 9, 9 में से 4 गए तो 5, यहाँ पर बचेगा 5, 5 में से 7 यानी कि 15 में से 7 गया तो 8, यहाँ पर 852। जब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 2 में से 1 गया तो 1, 9, यहाँ पर 10 में से 6 गया तो 4 बचे, 6, 6 में से 5 गया तो 1। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 12 में से 9 गए तो 3, यहाँ पर बचेगा 8, 8 में से 4 गए तो 4, 10 में से 7 गया तो 3, 6 में से 4 गए तो। अब हमें इनका एचसीएफ निकालना है। अब ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पर ये ओड संख्या है, ये भी ओड है लेकिन ये इवन है। अब ये ओड संख्या है दोनों, तो इनके फैक्टर सभी ओड होंगे, यानी कि जो हमारा एचसीएफ होगा वो एक ओड नंबर होगा, लेकिन यहाँ पर ये इवन नंबर है तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। पहले ये 4 का मल्टीपल दिखाई दे रहा है तो इसे 4 अलग करते हैं पहले, तो 4 दूनी 8, 4 एक कम 4 बचेगा, 1 यानी 4 3 12। अब ये ओड नंबर है तो 213 हो सकता है या कोई इसका फैक्टर हो सकता है, एक बार देख लेते हैं ये क्या है। 213 के मल्टीपल है तो ये देखो इसका 7 मल्टीपल है और ये इसका 11 मल्टीपल है, यानी कि तीनों में 213 है, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 213, यानी कि ये वो संख्या है, वो संख्या को इसने दर्शाया था डी से। फिर बोला गया है वो शेषफल समान बचता है, तो इन किसी भी संख्या को, तीनों में से किसी भी संख्या को 213 से डिवाइड करोगे तो तीनों में ही रिमाइंडर सेम आएगा, तो आप एक किसी भी संख्या को उठा लो, तो हम उठा लेते हैं पहली संख्या को और इसको 213 से डिवाइड करके देख लेंगे कि क्या रिमाइंडर निकल कर आता है। तो इसका 2 मल्टीपल देखें तो ये हो जाएगा 26 और ये 4, यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पर 6 में से 2 गया तो 4 और ये 9, फिर 2 पर जाएगा 26, ये 4, यहाँ पर बचेगा 3 और यहाँ पर 6, तो ये रिमाइंडर है और ये वो भाजक है। तो दोनों को इसने पूछ रखा कि ऐड करने के बाद कितना आएगा, तो 3 और 3 6, 6 और 1 7 और ये 2, तो 276, ऑप्शन ए, तो 29 में ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। मान लीजिए एक्स 4 अंकों की एक संख्या है जिसे 2 3 4 5 6 और 7 से भाग देने पर, यानी कि कोई 4 अंकों की संख्या है उसको किससे भाग देना है, जिसे 2 3 4 5 6 7 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। यदि x का मान 2800 और 3000 के बीच है तो x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि जो हमारी संख्या होगी वो इनसे बड़ी होगी, इनसे बड़ी होगी तो हमें एलसीएम निकालना है, तो हमें एलसीएम निकालना है 2 3 4 5 6 और 7 का, उसका k मल्टीपल कर लेते हैं और उसमें रिमाइंडर को ऐड करेंगे, रिमाइंडर है 1। अब ये जो संख्या आएगी हमारी वो 2800 और 3000 के बीच आनी चाहिए, तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालो, सबसे बड़ी संख्या 7 है उसको रख लो, फिर 6 है, 6 के फैक्टर 2 गुणा 3, फिर 5, 5 इसके अंदर नहीं है लिख लेते हैं, 4, 4 का 1 2 तो है, 1 और 2 नहीं है वो लिख लेते हैं, 3 इसके अंदर है, 2 इसके अंदर है, तो ये इसका एलसीएम होगा, कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 0, यहाँ से 3 दूनी 6 7 42, यानी कि 420, उसका के मल्टीपल प्लस में 1। अब यहाँ पर के की वैल्यू रखते जाना वो देख लेना कहाँ पर 2800 और 3000 के बीच संख्या आती है, तो इसका अगर हम 7 मल्टीपल देखें तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 चौके 28 और 1 29, 2940 वो संख्या है, लेकिन शेषफल 1 आता है तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो 2941 वो संख्या हो जाएगी, 2941 और इनके बीच आती है वो, लेकिन हमें क्या निकालना था, इसके अंकों का योग, तो ये हो जाएगा 9 और 1 10 और 4 और 2 6, यानी कि 16, ऑप्शन बी, तो 30 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 6 अंकों की संख्या, ये संख्या दे रखी है 7 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित है,
तो y प्लस जेड डिवाइड में x, इसका मान क्या होगा? देखिए क्या बोला गया कि 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित है, यानी कि इसके एलसीएम का कोई मल्टीपल है। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 1001। अब 1001 के साथ गुणा की एक ट्रिक होती है, अगर तीन अंकों की हम कोई संख्या ले ए बी सी और इसको मल्टीप्लाई करें 1001 से, जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ए बी सी आएगा, फिर इस 1 से करेंगे तो ए बी सी आएगा, यानी कि ये दो बार रिपीट हो जाएगी ये संख्या तीन अंकों की। तो इसने हमें संख्या दे रखी थी 479 और यहाँ पर एक्स वाई जेड है, तो जब हम 1001 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या यहाँ पर रिपीट हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर 7 और ये 9। एक्स की वैल्यू 4, वाई की 7, जेड की 9। तो क्या बोल रहा है? वाई प्लस जेड 9 और 7 16, भाग में एक्स, एक्स था यहाँ पर 4, तो 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे छोटा है? सबसे छोटा हमसे पूछा गया है। देखिए ये मैंने सोल्व करवा रखे हैं, वैसे यहाँ पर आप देखो कि सम इक्वल है या फिर डिफरेंस इक्वल है, सभी में दो दो का डिफरेंस है, यानी कि डिफरेंस इक्वल है। जब डिफरेंस इक्वल हो तो हम इनको ऐड करके फिर चेक करते हैं, और जो इसका जोड़ बड़ा आएगा वो वास्तव में छोटी संख्या होगी, तो जोड़ इनका सबसे ज्यादा आएगा, आपको दिखाई दे रहा डायरेक्ट ही, ये इनसे छोटी संख्या है, इनका जोड़ कम आएगा इससे, यानी कि ये संख्या सबसे छोटी है। देखिए इसको समझा रखा मैंने यहाँ पर, एक क्लास का स्क्रीनशॉट है ये, ओल्ड जनरल वॉल्यूम 1 में समझाया हुआ है। देखिए जब डिफरेंस इक्वल हो तो हम चेक करते हैं ऐड करके, और बीच में साइन हो माइनस का, तो जिसका सम छोटा होगा वो वास्तव में बड़ी है, लेकिन जिसका सम बड़ा होगा वो वास्तव में छोटी होती है। तो यही चीज हमने यहाँ पर देखी थी, सम इनका बड़ा आएगा तो वास्तव में ये छोटी है। ये इसको दूसरे तरीके से देखना चाहो तो हम इसको ऐसे सोल्व करते हैं, रूट 401 माइनस रूट 399, तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 401 प्लस में 399, इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, 401 प्लस में रूट 399, इससे कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, इससे ये कैंसिल हो सकता है, लेकिन ऊपर आइडेंटिटी लग जाएगी ए माइनस बी ए प्लस बी की, वो होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो यहाँ पर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो रूट से स्क्वेयर कैंसिल और यहाँ पर आएगा 2, और नीचे ये संख्या हो जाएगी रूट 401 माइनस सॉरी प्लस रूट 399। जब यहाँ पर बी को सोल्व करेंगे तो ऊपर तो 2 ही आएगा और नीचे आ जाएगा रूट 101 प्लस में रूट 99। जब इसको सोल्व करेंगे ऑप्शन सी को तो ये आएगा ऊपर 2 और रूट 301 प्लस रूट 299, और डी को सोल्व करेंगे तो ऊपर आएगा 2 और नीचे हो जाएगा 201 प्लस रूट 199। अब देखो न्यूमरेटर सेम है और डिनोमेटर अलग है, तो जो डिनोमेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन हमारी छोटी हो जाएगी, तो इसमें डिनोमेटर बड़ा है तो ये फ्रैक्शन हमारी छोटी हो जाएगी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, दोनों तरीके से इसको मैंने इसको बता दिया है। यदि 3 की पावर 61,284 को 5 से विभाजित करने पर एक्स शेषफल आता है और 4 की पावर 96 को 6 से विभाजित करने पर वाई शेषफल आता है, तो 2x - y क्या होगा? तो जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा ये देखते देखते, 3 की पावर है 61,284, इसको डिवाइड करना है 5 से, तो 3 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम यहाँ पर टोशेंट मेथड निकाल सकते हैं, रिमाइंडर थ्योरम वाले चैप्टर में इसको समझाया हुआ है। तो 5 का टोशेंट कितना आ जाएगा? 4। अब इस टोशेंट से पावर को डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा, क्योंकि 4 से पूरा पूरा भाग हो रहा है, पूरा पूरा भाग होता है तो हम पावर 4 लेते हैं न कि 0 लेते हैं। 3 की पावर 4 डिवाइड करेंगे 5 से तो ये कितना आ जाएगा? 81। 81 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 80, तो पूरा पूरा भाग होता जाता है, रिमाइंडर बचेगा 1, यानी x कितना आ जाएगा यहाँ पर 1, x शेषफली दे रखा था इसने। अच्छा दूसरी संख्या थी 4 की पावर 96, इसको डिवाइड करना 6 से। अब इसका कंसेप्ट क्या होता है? 4 की कुछ भी पावर हो, कोई भी पावर हो, उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 4 ही आएगा, तो यहाँ पर y था रिमाइंडर, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। क्या बोला गया है? 2x - y, 2x करेंगे तो यहाँ से आएगा 2 - y आ जाएगा 4, सोल्व करेंगे तो -2, ऑप्शन सी। 34, भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने पर अंतिम भाजक 17 प्राप्त होता है और भागफल क्रम से 1, 11, 2 प्राप्त होते हैं, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? अब भाग विधि आपको पता होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर कोई संख्या एक्स है उसको हम डिवाइड करते हैं y से, तो यहाँ पर ये चला जाता है, मान लेते हैं 1 पर चला गया, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? y मल्टीप्लाई में
वन, तो यहाँ पर वाई आ जाएगा। मान लेते हैं कोई तो दो मल्टीपल हो सकता है, तीन मल्टीपल हो सकता है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ए आ जाए। फिर इसको हम माइनस करें, तो यहाँ से मान लिया कि जेड आया, फिर जो हमारा पहले भाजक था अब वो भाज्य बन जाएगा, यानी कि वाई अब अंदर चला जाएगा। फिर यहाँ पर किसी संख्या पर जाएगा, मान लेते हैं दो पर जाएगा, फिर यहाँ पर जेड और टू की मल्टीप्लाई करने मान लेते हैं बी आएगा। फिर इसको माइनस करते हैं तो मान लेते हैं कि डब्ल्यू आया, फिर जो हमारा जेड भाजक था वो अंदर चला जाएगा, भाज्य बन जाएगा। फिर यहाँ पर चला जाता है मान लेते हैं पाँच पर चला गया, तो ऐसे ये सोल्व होता रहता है। ये होता है भाग विधि से एचसीएफ निकालने की विधि, और लास्ट में जिस भाजक से पूरा पूरा भाग हो जाता है वो हमारा एचसीएफ कहलाता है। तो इसमें क्या बोला गया है कि अंतिम भाजक 17 है और पहले एक, 11 और दो ये भाग फैलाते हैं। तो यहां से सोल्व करिए, अगर इसको पहले भाजक सॉरी भागफल एक आया था, उसके बाद भागफल आया हमारा 11, उसके बाद भागफल आया हमारा 2, और जो अंतिम भाजक था वो 17 था, यानी कि रिमाइंडर बाद में 0 आया होगा। तो 17 गुणा 2 34 हमने यहाँ पर रखा होगा, और 34 में से 34 ही माइनस करा होगा तब 0 आया है, यानी कि जब 34 अंदर है पहले ये बाहर था, यानी कि पहले ये भाजक था, और 11 पर गया है तो ये हो जाएगा 4, 4 और 3 7, 374। जब 34 11 पर गया है तो 374 ही तो बनेगा। और यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें से 374 माइनस करने पर 17 शेष फल बचा, तो 17 इसमें ऐड कर दो, 7 और 4 11, 1 7 और 1 8 और 1 9, ये 391। अब 391 बाहर है तो पहले ये सॉरी अंदर है तो ये पहले बाहर होगा, यानी कि ये हमारा पहला भाजक था। अब ये एक पर गया यानी कि यहाँ पर 391 होगा, और यहाँ पर कोई संख्या थी उसमें से हमने 391 माइनस किया तो 34 आया, तो यहाँ पर कौन सी संख्या होगी 34 इसमें ऐड कर दो, 4 और 1 5, 9 और 3 12, 3 और 1 4, तो यहाँ पर 425 था। अब इसको ऐसे डिवाइड करके भी देख सकते हो, तो ये हमारी वो दो संख्याएं थी। पूछा क्या इसने, दोनों संख्याओं का योग पूछा है, तो इन दोनों का योग निकाल दो, 5 और 1 6, 2 और 9 11, 4 3 7 और 1 8, यानी कि 816 इन दोनों का योग है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं 35 पर। दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर 2001 है, मान लेते हैं दो संख्या, एक तो एक्स है एक वाई है, इन दोनों का अंतर है 2001। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 9 और शेष 41 प्राप्त होता है। बड़ी संख्या मान लेते हैं एक्स थी, बड़ी संख्या एक्स थी, उसमें छोटी संख्या माइनस किया तो 2001 आ गया। तो जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करते हैं तो भागफल तो आता है 9 और शेष कितना आता है 41 आता है, तो यहाँ पर कितना आया होगा, वाई की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 9 वाई, और इन दोनों का अंतर 41 है, यानी कि एक्स माइनस 9 वाई एक किसके बराबर है 41 के। पूछा क्या गया है, बड़ी संख्या के अंकों का योग, यानी कि एक्स हमें निकालना पहले तो फिर उसके अंकों का योग निकालते हैं। एक्स निकालना तो वाई को बराबर कर लेते हैं ताकि ये कैंसिल हो जाए, तो पहले इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 एकम 9, और यहाँ पर 9 दूनी 18। अब इसको माइनस कर लेते हैं, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 8x, यहाँ से 9 में से 1 गया तो 8, 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ पर 9, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 1, तो x कितना आ जाएगा 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी 16, 1 बचेगा 8 दूनी 16, 3 बचेगा 8 चौके 32, 4 8 छके 48, तो ये वो संख्या है जो बड़ी थी। अब इसके अंकों का योग तो 4 और 6 10, और 2 12 2 14, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं 36 पर। जब एक दो अंकों की संख्या को उसके अंकों के योग से गुणा किया जाता है तो गुणनफल 424 होता है। जब एक दो अंकों की संख्या को, संख्या मान लेते हैं एक्स वाई है, तो इसके लिखने का तरीका क्या होता है, 10x+y, हम इसको ऐसे लिखते हैं। तो दो अंकों की संख्या को उसके अंकों से के योग से गुणा किया जाता है, इसको इसके अंकों के योग से, यानी कि x+y, इससे हम इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 424 आता है। फिर बोला गया जब इसके अंकों को आपस में बदलने से प्राप्त संख्या, अंकों को आपस में बदल दे तो वाई एक्स आएगी, प्राप्त संख्या को अंकों के योग से गुणा किया जाता है तो परिणाम 280 आता है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 10y+x, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके अंकों के योग से, यानी कि y+x, तो x+y भी इसको लिख सकते हैं, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आता है 280 के बराबर। पूछा क्या गया है, दी गई संख्या के अंकों का योग, यानी कि x+y की वैल्यू हमें निकालनी है।
तो एक काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो x प्लस वाई तो कॉमन है दोनों जगह, इसको बाहर निकाल लेते हैं, x प्लस वाई इसको हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर बचा टेन एक्स प्लस एक्स, कितना आ जाएगा 11x, टेन वाई प्लस वाई 11y। जब यहाँ से 11 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 11x प्लस वाई, और यहाँ से इसको ऐड करेंगे, 4 8 और 2 10, 4 और 2 6 और 1 7। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में थे तो ये हो जाएगा 11x प्लस वाई का होल स्क्वेयर बराबर 704। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वेयर जब 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 6 66, 11 6 44, दोनों साइड स्क्वेयर रूट करने पर ये आ जाएगा 8, ऑप्शन सी 37। मान लीजिए x सबसे छोटी संख्या है जिसे 15, 18, 20 और 27 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 10 प्राप्त होता है, और x 31 का गुणज है। x को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जानी चाहिए? x कोई छोटी संख्या है जिसे हम 15, 18, 20, 27 से भाग करते हैं तो शेषफल 10 आता है, यानी कि इनसे बड़ी रही होगी संख्या, तो हमें एलसीएम निकालना है। हमें एलसीएम निकालना है 15 का, 18 का, 20 का, 27 का, तो शेषफल 10 आता है। तो मान लेते हैं फिर इसका कोई मल्टीपल के है, उसमें फिर हम 10 ऐड कर देंगे और ये वो संख्या हो जाएगी हमारी x। 31 का ये गुणज है, यानी कि 31 से ये पूरा पूरा भाग होना चाहिए, और x को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें उसमें कौन सी संख्या जोड़नी होगी? तो सबसे पहले तो हमें x निकालना होगा, यानी कि ये संख्या निकालनी होगी। तो एलसीएम निकाल लेते हैं, 27 के फैक्टर करेंगे तो 3 की पावर 3, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 20 होता है 4 5 20, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 5, 18 होता है 9 गुणा 2, तो 9 गुणा 2 इसके अंदर है, 15 3 5 15 भी है, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा 5 गुणा 2 10, 0 आएगी यहाँ से, और ये है 3 3 9 3 27 2 54, तो 540 आ जाएगा ये, तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 540 के प्लस में 10 और डिवाइड में 31। अब के की वैल्यू यहाँ पर पुट करते जाओ और फिर वो संख्या है जो वो 31 से भाग होनी चाहिए, या तो के की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो, या हम पहले 540 को डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 540 को जब हम 31 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 3 पर 39, 14 में से 9 गए तो 5 यहाँ पर बचेगा, 4 में से 3 गया तो 1, 150। अगर हम इसका 4 मल्टीपल देखें तो 4 एकम 4 4 3 12, तो ये बचेगा 6, और 4 में से 2 गया तो 2, यानी कि 26 के प्लस में 10 और डिवाइड में 31। अब के की वैल्यू यहाँ पर पुट करके देख सकते हो, तो 1 पर तो जाएगी नहीं, अगर हम 2 से चेक करें तो 2 6 के 12, 2 2 4 और 1 5 10 62, 10 इसमें ऐड भी तो करना, तो 62 हो जाएगा, यानी कि के की वैल्यू 2 है। अब ये के की वैल्यू में यहाँ पर पुट करनी है, हम इसका रिमाइंडर इसलिए निकालते हैं क्योंकि फिर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई बड़ी आएगी, 1 को 26 से मल्टीप्लाई करें, 1 540 से मल्टीप्लाई करें, तो के की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं 2, तो ये हो जाएगा 0 2 चौका 8, 2 5 10 और 1 11, 1180 और प्लस में 10, यानी कि 1190। ये 31 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका कितना मल्टीपल हो सकता है ये, 1 मिनट, 0 2 चौका 8 और 2 5 10, सॉरी 1090 हो जाएगा ये। तीन एकम 8 किया, 31 से भाग हो जाएगा इसको, अगर हम देखें तो 27, 27 तो गड़बड़ हुई है, देख लेते हैं एक बार, 15 18 20 27, 3 3 9 3 27, 4 5 20, 3 3 9 2 18, 3 5 15, 54 40, 3 1 3 3 3 9, यार 3 मल्टीप्लाई यहाँ पर गलत कर दिया मैंने, पता नहीं कहाँ, 540 को डिवाइड कर लेते हैं 31 से,
तो ये एक पर ही जाएगा, चार में से एक गया तो तीन, और यहाँ से बचेगा दो। अभी कितना मल्टीपल हो सकता है इसका, 7 या 21, 7 पे जाएंगे ये, 7 1 कम 7, 7 या 21, तो यहाँ से बचेगा 3 13 आ जाएगा, यानी कि 13K+10/31। एक रखें तो 130 होगा, नहीं 2 रखें तो 13 दूनी 26, 270 फिर भी नहीं जाएगा, 3 से देखें तो 39, 400 नहीं जाएगा, 4 रखें तो 13 चौके 52, और 10, 4 देख लेते हैं, 52+10 62, 62 इसका 2 मल्टीपल है, ठीक है, तो 4 आ जाएगा। के की वैल्यू 4 यहाँ पर पुट कर देते हैं, 0 4 चौके 16, 1 4 5 20, और 1 21, और 10 इसमें ऐड करना है, यानी कि ये हो जाएगा 2170। अब ये इसका कितना मल्टीपल है, 7 मल्टीपल दिखाई दे रहा है, तो इसने ये बोला है, ये तो वो हमारी संख्या होगी, इसमें हम क्या ऐड करें कि ये फिर एक पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 2170, 21 25 से कितना कम है, 4 कम है, तो 50 से 4 कम यानी कि 46, तो ये 46 का सुकेर तो होगा नहीं, 47 का चेक कर लेते हैं, 46 से ज्यादा है, अब 47 का सुकेर हम चेक कर लेते हैं, 47 50 से कितना कम है, 3 कम है, तो 25 में से 3 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 22, और 3 है तो 3 का स्क्वायर 0। ये ट्रिक मैंने समझा रखी है आपको स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में, तो इसमें हम क्या ऐड करें कि 2209 बन जाए, तो ये 9 और 10 में से 7 गया तो 3, यानी कि 39 हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा, ऑप्शन ए। 38 पर चलते हैं, 3600 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, 3600 के हमें टोटल फैक्टर्स निकालने हैं, तो ये हो जाएगा 9 चौके 36, 9 यानी कि 3 की पावर 2, 4 यानी कि 2 की पावर 2, 100 यानी कि 25, 100 का 100, तो 4 की 2 गुणा, सॉरी 2 की पावर 2, और 25 हो जाएगा 5 की पावर, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, और 5 की पावर। टोटल फैक्टर निकालते हैं तो पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 5 3 15, 15 3 45, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, जब 12 16 18 20 और 25 से सबसे छोटी संख्या x को विभाजित किया जाता है, इसका मतलब एलसीएम निकालना है, तो प्रत्येक स्थिति में शेष 4 आता है, लेकिन x 7 से विभाज्य है, तो x में 1000 के स्थान पर अंक क्या है, एलसीएम हमें निकालना है 12 16 18 20 25, उसका k मल्टीपल, और रिमाइंडर कितना आता है, 4 आता है। अब ये जो संख्या आएगी हमारी, ये 7 से विभाज्य है, तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, 25 के फैक्टर करेंगे 5 गुना 5, 20 का करेंगे 5 चौका 20, तो 5 तो इसके अंदर है, 4 और लिख लेते हैं, उसके बाद 18 18 9 गुना 2, 2 तो इसके अंदर है, 9 और लिख लेते हैं, कि 3 गुना 3, अब 16 16 होता है 4 गुना 4, तो 4 तो यहाँ पर है, 4 और लिख लेते हैं, यानी कि 2 गुना 2, 12 4 3 12 इसके अंदर है, अब ये कितना हो जाएगा, 5 गुना 2 10, 5 गुना 2 10, 3 3 9 9 चौके 36, यानी कि एलसीएम आ जाएगा 3600, तो 3600 K+4 और/7, K की वैल्यू यहाँ पर रख के देख लेते हैं, और फिर वो 4 ऐड करके 7 से भाग होना चाहिए, ये तो 36 को पहले भाग कर लो, फिर रिमाइंडर निकाल के उसको चेक कर लेना, या फिर डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हो, तो पहले अगर 1 रखेंगे तो ये आएगा 3604, 7 से डिवाइड करेंगे 7 5 35, 1 7 1 7 3 बचेगा, नहीं होगा, फिर इसका 2 मल्टीपल देखें तो 2 चौक ये आ जाएगा 4 0 36 72, ठीक है, फिर 7 से करेंगे 7 1 7 7, 7 2 14, 6 नहीं होगा, 3 मल्टीपल देखें तो ये हो जाएगा 3 6 18, 3 3 9 और 1 10, 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 7 1 7 बचेगा 3, 7 5 35 3, 7 6 28, 2 नहीं होगा, इसका आप 4 मल्टीपल देख लेते हैं, तो 4 6 का 24, 2 4 3 12, और 2 14, 7 से डिवाइड करते हैं, 7 2 14, 0, 7 5 35, 5 नहीं होगा, 5 मल्टीपल देखें तो 5 6 30, 3, 5 3 15 3 18, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 14 बचेगा 4, 7 5 35, 5 7 3 49, 7 2 14 हो जाएगा, लेकिन ये वो संख्या जो 7 से पूरी पूरी भाग हो जाती है। पूछा क्या गया है, एक्स में 1000 के स्थान पर अंक क्या है, तो इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 1000 के स्थान पर है 8, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से कौन इस संख्या का एक गुणनखंड है? देखिए ये क्या दे रखा है, 8 इसके पावर 2 के, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसके पावर 2 और पूरे के पावर के, प्लस में 5 की पावर 2 और पूरे की पावर के, तो ये हो जाएगा 64 उसके पावर के, प्लस में 25 इसकी पावर के। अब के यहाँ पर क्या है कि विषम संख्या है, तो आपको इसका पता होना चाहिए। अगर x की पावर n प्लस y की पावर n है, वो n यहाँ पर अगर ओड नंबर है तो ये डिवाइड किससे होगा, हमेशा x प्लस y से। ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। विषम संख्या बोले ना, तो आप क्या करो, इसको जो वैल्यू है इसको 3 मान लो, 3 मान लिया तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर 3 प्लस y की पावर 3। कौन सी आइडेंटिटी हो जाएगी ये, ए क्यू प्लस बी क्यू। क्या होता है, ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस वाई, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस में एक्स वाई। तो एक्स प्लस वाई इसका एक फैक्टर है, इसका फैक्टर तो इसको पूरा पूरा भाग कर देगा, यानी कि एक्स प्लस वाई से हमेशा ये भाग हो जाएगी। तो 64 प्लस 25 से भाग हो जाएगी, 6 और 2 8 यानी कि 89, तो 89 इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं 41 पर। मान लीजिए एक्स ये संख्या में दे रखी है, तो x के इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। 633 इकाई का अंक 3 है, 3 के लिए क्या होता है, यूनिवर्सल हम वही रूल लगाते हैं 4 से डिवाइड करके। तो जब 4 से डिवाइड करेंगे 24 को, तो ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा, पूरा पूरा भाग होता है तो हम पावर 4 लेते हैं, तो 3 की पावर 4 माइनस 7 की पावर 38। तो वही रूल, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 में 36 2 बचेगा, यानी कि 7 की पावर, तो प्लस में 6 की पावर कुछ भी हो, 6 की कुछ भी पावर, हमेशा इकाई का अंक 6 ही रहता है। 3 की पावर 4 81 यानी कि इकाई का अंक 1, 7 की पावर 2 49 का 9 प्लस में 6, 6 और 1 7 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, लेकिन इकाई के अंक में हम माइनस नहीं रखते, तो 10 में से माइनस कर देंगे इसको, तो 8 इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं 42 पर। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, यदि इसके अंक को पलटने पर प्राप्त संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या हुआ। दो अंकों की एक संख्या, मान लेते एक्स वाई, ये दो अंकों की संख्या है, लिखते कैसे इसको, 10x प्लस में वाई। तो दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, तो अंकों का योग एक्स प्लस वाई, अंकों का योग उस संख्या का, इस संख्या का 1/7 है। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 7 को इस साइड लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में, यानी कि 10x प्लस वाई बराबर 7x प्लस में 7y, इस साइड लेके आएंगे तो 3x, वाई को साइड लेके जाएंगे तो 6y, यानी कि x कितना आ जाएगा, x 2y, ये x की वैल्यू। उसके बाद बोला गया है इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, इकाई का अंक y ये कितना कम है दहाई के अंक से, दहाई के अंक से 4 कम है। अब x के लिए तो हमें पता है 2y है, यहाँ पर 2y रख देते हैं, y बराबर 2y माइनस 4, तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 4 यहाँ पर पुट करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से 8 आ जाएगी। या फिर आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, x y को इस साइड लेके जाएंगे 3 गुणा 2 यानी कि 2/1 आएगा, यहाँ से अंतर आपको पता ही है कि x माइनस वाई कितना है, 4 है, और इनका अंतर भी 1 है। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 4 है, 2 रेशियो की वैल्यू 8 है, तो x 8 और y 4 है। संख्या x y थी यानी कि संख्या 84 है। पूछा क्या गया था, तो शेषफल सॉरी इसके अंक को पलटने पर तो ये संख्या 48 बन जाएगी, और जब इसको हम 7 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना आएगा, 7 6 का 42 बचा 6, शेषफल आएगा 6, ऑप्शन डी। तो अब चलते हैं 43 पर। तीन संख्या में दे रखी है, कुछ सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y आता है, x माइनस y का मान ज्ञात कीजिए। तो वही क्वेश्चन है, HCF क्या है, कैसे निकालेंगे इसका HCF, संख्याओं का डिफरेंस करके, और यह है 75 31। इन दोनों का अंतर निकालते हैं, तो 5 में से 2 गया तो 3, 10 में से 9 गया तो 1, यहां पर बचा 0, 10 में से 8 गया तो 213। जब इन दोनों का अंतर निकालते हैं तो यह आएगा 11 में से 5 गया तो 6, यहां पर बचा 2, 5 में से 1 गया तो 4। अच्छा अब है ये दो संख्याएं बच गई, 11 में से 2 गया तो 9, 2, 12 में से 9 गया तो 3, यहां पर बचा 4, 14 में से 8 गया तो 6, और यहां पर 6 में से 6 गया तो 0, ठीक है।
अब हमें इसका एचसीएफ निकालना है। ये 213, इसका ये दो मल्टीपल दिखाई दे रहा है और ये इसका तीन मल्टीपल दिखाई दे रहा है, यानी कि 213 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ 213। और वो संख्या एक्स, यानी कि ये 213 क्या है हमारी, वो संख्या है एक्स है। और शेषफल समान आता है, किसी भी संख्या को उठा के इसको डिवाइड करके देख लो, शेषफल समान आएगा। तो पहली संख्या को उठा लेते हैं, तो ये चला जाएगा, अगर हम तीन से देखें तो तीन पर चला जाएगा, 13 3 39, 3 2 6। तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं 2 से, 26 और 2 गुणा 2 6, 12 में से 6 गए तो 6 बचा, यहाँ पर 9, 9 में से 2 गए तो 7, 6 अंतर, शेष फल यानी कि ये y है। पूछा था x माइनस वाई, यानी कि 213 माइनस 6 अंतर, तो 13 में से 6 गए तो 7, यहाँ पर 10 में से 7 गए तो 3, यानी कि 137, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं 44 पर। मान लीजिए कि x सबसे बड़ी संख्या है जो इन तीनों को विभाजित करने पर प्रत्येक बार समान शेषफल प्राप्त होता है, तो वही इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा, समान शेषफल है तो इनका अंतर निकालते हैं। इस टाइप का तीसरा क्वेश्चन हम इसमें सोल्व कर रहे हैं। तो इनका अंतर निकाल लेते हैं, 5 में से 4 गया तो 1, 17 में से 8 गया तो 9, और यह जाएगा 13 में से 9 गए तो 4, उसके बाद इन दोनों का अंतर, 4 में से 2 गया तो 2, 8 में से 3 गया तो 5, 9 में से गया तो 8। अब इनका अंतर, 5 में से 2 गया तो 3, 7 में से 3 गया तो 4, 4 में से 1 गया तो 3, और 6 में से 4 गया तो, अब देखिए ये विषम संख्या, ये विषम संख्या, ये सम संख्या है, यानी कि जो हमारा एचसीएफ होगा वो विषम संख्या ही होगा। तो इसका जो सम वाला फैक्टर उसको हटा देते हैं, 4 का मल्टीपल दिखाई दे रहा है, तो 4 2 8, 4 1 4, 4 3 12, 213, 213 से क्या ये डिवाइड हो जाता है, देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना मल्टीपल भाई, एक मिनट, यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, इतनी बड़ी संख्या ही, डिफरेंस इतना कम तो आ नहीं सकता। 1, 17 में से 8 गया तो 9, 3 बचा, 13 में से 9 गया तो 4, 5 में से 4 गया तो 1 हो जाएगा। अच्छा, अब ये इसका 7 मल्टीपल हो सकता है, 7 या 21, 2 7 3 4, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, 7 या 21, 2 7 1 7, और 2 9 7 2, ठीक है, हो जाएगा। और ये इसका 11 मल्टीपल, ठीक है, एचसीएफ आ जाएगा हमारा 213, यानी कि वो संख्या संख्या इसने एक्स मानी थी। तो एक्स के अंकों का योग हमसे पूछा गया है, 3 और 1 4 2 6, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम चलते हैं 45 पर। जब पूर्णांक एन को एक्स से विभाजित किया जाता है तो शेष फल 3 आता है, शेष फल क्या होगा जब 6n-1 को 8 से विभाजित किया जाता है। कोई संख्या एन है, जब हम इसको 8 से भाग करते हैं तो शेष फल 3 आता है, तो एन कितना होगा, तो 8 और 3 11 हो सकता है, एन 8 का दोगुना 16 और 3 19 भी हो सकता है। पूछा गया 6n-1, तो हम एन छोटी संख्या ही लेते, बड़ी क्यों ले, हम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो एन 11 माने तो 11 6 66, में से 1 माइनस करेंगे 65, 65 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 और 2 64, रिमाइंडर बचेगा 1, ऑप्शन बी। अब चलते हैं 46 पर। यदि 11 अंकों की एक संख्या है ये, जिसमें एक्स बराबर वाई, तो यह बेहतर से विभाजित है, रूट एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक्स और वाई दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं तो मान लेते हैं, तो एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, अगर एक्स यहाँ पर 5 है तो 5 गुणा 5, तो रूट कितना आ जाएगा 25, और 25 का रूट 5, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो अप्रिमेय संख्या तो हो ही नहीं सकता, यानी कि ए कैंसिल हो जाएगा, डी भी कैंसिल हो जाएगा, बचे 2, या तो एक्स ये होगा या फिर ये होगा। बेहतर से बात है तो 8 और 9 इसके फैक्टर होंगे, डिवाइड कर करके भी देख सकते हो, लेकिन उतना सोल्व नहीं करेंगे, ऑप्शन से उठा लेते हैं, पहले 3 रख के देख लेते हैं, यहाँ पर एक्स की जगह 3 रखेंगे, वाई की जगह भी 3 रखेंगे, क्योंकि दोनों बराबर हैं। अब हम चेक कर लेते हैं इसको 9 से, तो 9 से चेक करते हैं, तो 9 के फैक्टर हटाते जाना, 9 का मल्टीपल हटाते जाना, 5 और 5 10 और 8 18 हट जाएगा, और उसके बाद 6 और 4 10 और 8 18 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 और 3 24,
उन्नीस, 19 नौ से भाग नहीं होता तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, बचा सात, सात ही होगा। वैसे सोल्व भी कर लेते हैं, एक्स अगर यहाँ पर सात रखें, वाई भी सात, अब 9 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 5 और 5 10 और 8 18 हो जाएगा, उसके बाद 5 और 4 9 हो जाएगा, 8, 8 और 8 16, 16 और 7 23 हो जाएगा, 23 और 6 29, और 27 माइनस के बाद 2 आ जाएगा, 2 और 7 9 हो जाएगा पूरा पूरा भाग, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 47 पर, एक माली ने किसी उद्यान में 1936 पौधे इस प्रकार लगाए कि पौधों की पंक्ति तथा कतार बराबर थे, पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि जितनी हम पंक्तियां बनाते हैं उसमें एक ही पंक्ति में उतने ही पौधे रखते जितनी पंक्तियां हो, इसका मतलब क्या कि 1936 का हमें रूट निकालना है, तो डायरेक्ट भी दिखाई देगा आपको ये 25 से कितना कम है, ये 6 कम है, 25 से 6 कम है, तो 50 में से 6 माइनस कर दो 44, यानी कि ये 44 का स्क्वायर रूट है, 44 पंक्तियां बनेंगी ऑप्शन बी। ऐसे सोल्व निकालना चाहो तो 1936 इसका रूट निकालना है, ये ट्रिक वैसे मैंने बता रखी है, 50 से कितना कम और कितना ज्यादा है उसमें, इसका जोड़ा बनाते हैं 6, तो किस का स्क्वायर करें तो एकाएक अंक 6 आता है, 4 का करते हैं और 6 का करते हैं, अब 19, 19 किसके अंडर आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 25 तो ज्यादा हो जाएगा 4 का आएगा, यानी कि ये 44 का होगा या फिर 46 का होगा, इसके बीच है 45, 45 का स्क्वायर करके देख सकते हो, एकाएक अंक 5 है उसकी ट्रिक बता रखी है, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पर 4, 4 से अगली संख्या 5, तो 4 5 20, 20 25, अब ये 20 25 से क्या है, कम है, तो कम है तो 44 इसका आंसर होगा। अब चलते हैं 48 पर, अंक 2 9 6 और 5 का उपयोग करके बनी 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, सबसे बड़ी निकालनी है तो पहले बड़ा अंक 9, फिर 6, फिर 5, फिर 2, छोटे निकालनी तो पहले छोटा 2 5 6 9, इनका अंतर हमें निकालना है, 12 में से 9 गए तो 3, इकाई अंक 3 2 में है, तो 4 में से 6 यानी कि 14 में से 6 गए तो 8, ये 0 और ये 7, 7083 ऑप्शन डी 49। अंक 3 0 7 में से प्रत्येक अंक का केवल एक ही बार प्रयोग करके बनने वाली सभी संभावित 3 अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, 3 अंकों की संख्या में इनसे बनाने कितनी संख्या बनेगी, तो देखो यहाँ पर मैं 0 नहीं रख सकता, अगर मैं यहाँ पर 0 रखूंगा तो फिर ये 2 अंकों की संख्या बनेगी, तो इसका मतलब या तो मैं यहाँ पर 3 रख सकता हूँ या फिर 7 रख सकता हूँ, तो 3 रखेंगे तो एक बार 0 और 7 रख लेते हैं, फिर एक बार 3 रख के 7 पहले लिख देता हूँ फिर 0 लिख देता हूँ, 3 से बनने वाली संख्या होगी फिर 7 से हो सकती है, 7 रखने के बाद एक बार 0 पहले लिख देता हूँ फिर 3 लिख देता हूँ, 7 से बना के पहले 3 लिख देता हूँ फिर 0, तो ये 4 ही संभव है, इनका हमें जोड़ निकालना, तो 7 और 3 10, 7 और 3 10 और 1 11, 1 7 और 3 10 10 20 और 1 21, तो 2110 ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 50, उस न्यूनतम संख्या के अंकों का योग क्या होगा जो 15 18 और 42 से विभाजित होने पर, 42 इन तीनों से विभाजित होने पर, इसका मतलब एलसीएम निकालना है, एलसीएम हमें निकालना है 15 18 42 होने पर प्रत्येक स्थिति में एक ही शेष रहता है 8, तो इसमें 8 ऐड कर देंगे और ये 13 से विभाज्य है, यहाँ पर 13 से ये विभाज्य होना चाहिए, तो यहाँ पर के का मल्टीपल लिख देते हैं, अब एलसीएम निकालना 42, 42 होता है 7 गुणा 6, 6 हो जाएगा 2 गुणा 3, 6 और 7 42, 18, 18 हो जाएगा 3 गुणा 2 6, 6 3 18, तो 1 और 3 लिखना पड़ेगा, 15 3 गुणा 5, 3 तो है 5 और लिख देते हैं, तो 5 गुणी 10, और ये हो जाएगा 3 3 9 9 7 63, तो 630 इसका के मल्टीपल प्लस में 8 और ये 13 से डिवाइड, अब 630 को एक बार डिवाइड करके देख लो 13 से, रिमाइंडर को फिर के का मल्टीप्लाई देख लेंगे, या फिर 630 को करना चाहते हो फिर कैलकुलेशन ज्यादा होगी उसमें, तो मैं पहले रिमाइंडर ही निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 13 चौके 52, 4 पर ही जाएगा ये, यहाँ से 1 110 और ये चला जाएगा 13 117, 13 8 104 पर देख लेते हैं 6, यानी कि 6 के प्लस में 8 और डिवाइड में 13, अब के की वैल्यू यहाँ पर रख लेते हैं, 1 रखें तो 8 और 6 14 नहीं होगा, 2 रखें तो 6 दुनी 12 और 8 20 नहीं होगा, 3 रखें तो 6 18 और 8 26, यानी कि 3 पर आ जाएगा, तो के की वैल्यू यहाँ पर 3 रख लो, 0 3 3 9, 3 6 18, 1890 और 8 इसमें ऐड करना है, 1898 पूछा क्या गया था हमसे अंकों का योग,
तो ये हो जाएगा 9 और 1 10 और 8 8 16 और 10 26, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं 51 पर। निम्न में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है? तो देखिए परिमेय संख्या हम डायरेक्ट नहीं बता सकते, लेकिन हम ये बता सकते कि कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो अपरिमेय है, इसके लिए आप दो रूल लिख लो, अपरिमेय संख्या कौन सी संख्या अपरिमेय है ये हम आसानी से बता सकते हैं, उसको फिर हम एलिमिनेट कर देंगे यहाँ पर। तो पहला हो जाएगा यूनिट डिजिट। जिस भी संख्या की यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 ये हो तो वो हमारी एक अपरिमेय संख्या होती है। उसके बाद डिजिट सम, डिजिट सम 2, 3, 5, 6, 8, अगर ये डिजिट सम है तो वो एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, इसका मतलब उसका वर्गमूल नहीं निकल सकता। अभी 2, 3, 7, 8 कैसे आते हैं वो सूत्र निकाल के देख लेना, 1, 2, 1 से स्टार्ट करके 9 तक देखोगे तो उसमें एकाएक अंक चेक कर लेना, 2, 3, 7, 8 इसमें नहीं आएंगे। तो पहला ऑप्शन उठाते हैं, देखो पॉइंट के बाद दो दो अंक है, इसका मतलब नीचे 100 आएगा, 100 का वर्गमूल निकल सकता है, तो पॉइंट से घबराना नहीं है। उसके बाद देखते हैं यूनिट डिजिट, देखें तो इसमें 9 है, इसमें 4 है, इसमें 9, इसमें 8 है, देखो ये रहा 8, अगर 8 इकाई का अंक है तो वो एक अपरिमेय संख्या है, तो ये तो है अपरिमेय संख्या, तो ये तो हट जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं डिजिट सम, इसका डिजिट सम कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 5 8 और 4 12, 12 और 9 21, 21 21 को फिर से जोड़ेंगे 2 और 1 3, तो डिजिट सम 3 आ गया, यानी कि भी अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर देखें तो 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 9 26, 26 को फिर से जोड़ेंगे तो 6 और 2 8, 8 आ गया, ये भी अपरिमेय संख्या, एक ही बच गई, हमारा आंसर होगा। चेक भी कर लेते हैं डिजिट सम एक बार, 3 और 1 4, 4 और 4 8 और 5 13, 2 15, 15 4 19, 19 को फिर जोड़ेंगे 9 और 1 10, इकाई का अंक 0, 0 इसमें नहीं, यानी कि ये परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 52 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें जिसे 12, 16, 54 से भाग देने पर, इनसे भाग देने पर, यानी कि उसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसका निकालना है, 12 का, 16 का, 54 का, भाग देने पर हर बार 7 शेषफल आता है और यह 13 से पूर्णतः विभाजित है, यानी कि इसका के मल्टीपल और फिर शेषफल 7 आता है, और जो ये हमारी संख्या आएगी ये 13 से पूर्णतः विभाजित है, 13 से ये भाग भी होनी चाहिए। अब वो संख्या निकाल लेते हैं, इसका एलसीएम निकालना है तो 54 का फैक्टर करो, 54 यानी कि 27 गुणा 2, 27 तो 3 गुणा 3 गुणा 3, ये 27 27 गुणा 2, 16, 16 की 2 की पावर 4, 1 2 तो है, 3 और लिख लेते हैं। उसके बाद 12, तो 4 3 12 इसके अंदर है, तो ये आ जाएगा हमारा 16, 16 3 48 और ये 3 3 9, तो 9 8 72, 7 9 4 36 और 7 43, 432 के मल्टीपल प्लस में 7 और ये 13 से भाग होना चाहिए। तो 432 को एक बार मैं 13 से भाग कर लेता हूँ, रिमाइंडर निकाल लेता हूँ, 13 3 39, यहाँ से बचेगा 4 2, 13 3 39 बचेगा कितना, 3, तो 3 के प्लस में 7 डिवाइड में 13। अब के की वैल्यू यहाँ पर पुट करके देख लो, तो 1 रखेंगे तो 10 आएगा, नहीं हो सकता, 2 रखें तो 2 6 3 6 और 7 13, तो 2 रखने पर ही आ जाएगा, तो के की वैल्यू यहाँ पर आप 2 रख लो, 2 2 4, 2 3 6 और 2 4 8, इसमें हम 7 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 871, उसको डिवाइड करना है 13 से, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा ये। उसके बाद हमसे पूछा क्या गया है अंकों का योग, तो ये आ जाएगा 7 और 1 8 और 8 16, ऑप्शन बी आ जाएगा 52 में बी। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और चैनल को ज्वाइन कर लेना, चैनल ज्वाइन करने के बाद आपका जो डाउट है वो जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा विद वीडियो सॉल्यूशन।